जैसे कि हमारी सूरतगढ़ के लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था, मेरा एक छोटा भाई था, मेरे भाई की पत्नी, भतीजा और मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बहू। बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन पूर्व समय की बात है, मेरा भाई अपनी पत्नी को लेकर के और साथ में अपने बेटे को लेकर के और मेरी पत्नी को लेकर के जूनागढ़ के मेले में गया था और मेले से वापस आते समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। सौभाग्य से मेरा भतीजा 3 साल का था लेकिन बच गया और उसी एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई, पता नहीं कैसे। मैंने बहुत इलाज करवाया, लास्ट में हार गया, पुनः रोशनी नहीं ला सका। लेकिन फिर भी मेरी पत्नी अंधी हो करके भी मेरे भतीजे की परवरिश किया, पाला पोसा। आज वही मेरा भतीजा प्रेजेंट टाइम में बीए कर रहा है। दोस्तों, मेरे पास 200 बीघे जमीन भी है, किसी चीज की कमी नहीं है। ईश्वर ने मेरे को सब कुछ दे दिया है, बेटा, बहू, जमीन, जायदाद, सब कुछ है। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूँ और इसके हालात पे नजर डालता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि काश इस उम्र में इसकी आंखों में जरा सा भी रोशनी होती तो कम से कम कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों को सहारा ना लेना पड़ता। यही सोच सोच करके मैं कभी कभी रो देता हूँ। बड़े, तुम जरा समर सिंह को बुला करके ले आओ। क्या बात है, क्या मुझे शुद्ध बुलाए हो बाबूजी? हाँ बेटे, दोस्तों ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा सारा दिन मजदूरों को लेकर के खेतों में जाकर के काम करवाता है, खाने पीने का भी जरा भी ख्याल नहीं करता है। लेकिन कभी भी इसके लबों पे कोई शिकायत नहीं होती है। ऐसे बेटी को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो भगवान से विनती करता हूँ कि हे प्रभु, अगर किसी को तू औलाद दे तो मेरे समर सिंह जैसा बेटा दे। सुनो बेटी, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? हमारे सिंह बेटे सुनो, जरा हमारी बात।
समर सिंह बेटे सुनो जरा हमारी बात और तुम्हें दिल की बातें वो तुम्हारा चचेरा है भाई बिमली वो तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे सेवा करने मेरे बिमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि दुनिया में उसके माता पिता नहीं है और देख ये तेरी माँ है इसे एक सहारे की जरूरत है कभी अपनी माँ का दिल मत तोड़ना बेटी नहीं तो मैं मर जाऊंगा बाबूजी इसीलिए आप बेफिक्र रहिए आप लोगों की सेवा करना तो हम बच्चों का धर्म है हाँ बाबूजी और कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा कर लेता है उससे बढ़कर के कोई तीर्थ धाम नहीं है बाबूजी माँ बाप के चरणों में स्वर्ग और जन्नत है बाबूजी और बाबूजी रही बात विमल सिंह की हेलो और ये आ गए सर्वसम्मानित लड़का के बाबा जी मुन्ने पांडे जी की तरफ से इस सीन पे पच्चा और ये आ गए मुन्ना पांडे जी जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके बाबा जी की तरफ से इस सीन पे 50 रुपए का इनाम पारित किया धन्यवाद तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको फर्ज अपना निभाने को तैयार हो छोटा भाई बिमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूं छोटा भाई बिमल आप दोनों की भी
सेवा करने में मैं पूरा अख्तियार हूँ। बाबूजी, विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि उसके माता पिता इस दुनिया में है नहीं, हम उसे सगे से बढ़ करके प्यार देंगे ही बाबू, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ बेटे, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन विमल भी तक कॉलेज से आए नहीं, उसको आ जाना चाहिए था ना। हाँ बाबूजी, समय काफी व्यतीत हो गया है, इतना लेट आ, लेकिन अभी तक वो कॉलेज से नहीं आया, हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के संग रुक गया हो, थोड़ी देर तरसी पकी आप। बड़े बाबूजी, ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था तो आप लोगों को मैंने इस तरह एक साथ बैठे कभी नहीं देखा है। आज आप लोगों को एक साथ बैठे देखकर हम बहुत खुश हैं। लेकिन बाबूजी, आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, बड़े भैया मौजूद हैं, और देखो कॉलेज से मैं भी आ गया। देखो बाबूजी, हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहां पर मौजूद हैं, पर हमारी भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है, मैं पहले ही जानता था, क्योंकि तू जो है जब तक अपनी भाभी को नहीं पाता तू परेशान रहता है, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं देखती है वो बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अगर जरा सा भी कॉलेज से लेट हो जाता है नहीं तो तेरी भाभी भागती चौपाल में मेरे पास आ जाती है, और यही पूछती कि मेरा देवर अभी तक क्यों नहीं आया। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी, मतलब मेरे कपड़े धुल रही थी। हाँ, और प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही वो ये बतलाएगा, मैं नहीं बतला सकता। ठीक है बड़े बाबू जी, बड़े भैया आप ही बतलाए किस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर है। विमल, तुम जानते हो तुम्हारी भाभी घर में अकेली है, और उसे बहुत सारा काम पड़ता है, लेकिन हर वक्त वो तुम्हारे लिए खुद बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो हर वक्त पूछा करती कि मेरा देवर कब आएगा। लेकिन विमल, इन बातों को छोड़िए, ये बताइए कि इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या हाल है। बड़े भैया, दादा और दादी जी के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है, अगर इसी तरह तुम लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी बाबूजी, और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। बड़े भैया, आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है, ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। नहीं मेरे भाई, हम लोगों की उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देना। नहीं बड़े भैया, देखो तुम्हारी भाभी आती हो गया हो।
और माँ सभी लोग आपस में बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं और मैं भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटी, दोस्तों ये हमारी डॉक्टर इनला है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, हम इसको बहू नहीं मानते हैं। ये घर में हमारे जब से अपने कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है, सबकी खिदमत करती है, सबकी सेवा करती है, समय से खाना बनाना और समय से खाना सबको खिलाना, कपड़े धुलना, सेवा करना, सब कुछ ये करती है। लेकिन कभी भी इसके लवों पे किसी की शिकायत नहीं होती है। ऐसी बहू पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। चलो बेटे, सब लोग आज एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। हाँ बाबूजी। आज मेरे को खैरागढ़ जाना है। क्या बड़ी बाबूजी, आप खैरागढ़ जाएंगे? हाँ बेटे, खैरागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। किसी जमाने में हम दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मेरा क्लासमेट है, वो एजेड है और मेरे को देखने के लिए बुलाया है उसने। समझी, आप ये क्या करें, आप अपने दोस्त से मिले जाएंगे। स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर मैं कहीं मत जाइए, आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो फिर एक काम करो, तुम अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए ना जुदा हो जाऊं। स्वामी जी, आप ये कैसी अशुभ बातें कर। बड़े बाबू जी, ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। और माँ, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई परदेश तो नहीं जा रहे कि साल 6 महीने के लिए जा रहे हैं। अपने दोस्त के यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। और आपकी देखभाल करने के लिए हम दो भाई मौजूद है और हमारी भाभी जी मौजूद है, तो आपको चिंता करने की कौन सी बात है माँ? बेटे विमल, तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये जब से हमारे घर में अपने कदम को रखा है, जब तक मेरे को खाना नहीं खिला दिया, कभी इसने पानी तक नहीं पिया है, और ये जब तक हमारी थाली का झूठा भोजन नहीं खाया, तब तक इसका कभी पेट नहीं भरा। जिस्म तो दो हैं बच्चे, लेकिन हम दोनों की जान एक है, हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे। ये हम दोनों के बीच का एक अगाध प्यार है। और हाँ, हमारे गांव के लोग जब कोई मेरे को बुढ़ऊ कहता, नहीं बुढ़ऊ, तो मेरे को गुस्सा आता है। मालूम क्या कहता हूँ, खबरदार मेरे को कोई बुढ़ऊ मत कहना, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एंगेज्ड हूँ, एंगेज्ड नौजवान। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ? नो, जबकि मेरी भुजाओं पे दो दो हाथियों की ताकत है, तो मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूं? क्यों नहीं बड़े बाबूजी, जिस बाप के पास दो औलाद हो और अपनी बराबर के हो, सहारा देने लायक हो, वो बाप बूढ़ा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रखना, इसी में हमारी जिंदगी है। जिस दिन हमारे घर के अंदर दो चूल्हे जलेंगे, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक हमारे जिस्म में सांस चले बेटे, खबरदार हमारे घर में दो चूल्हे नहीं जलेंगे। हेलो, और ये आ गए लड़का के बाबा जी। बाप की उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देंगे हम, अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे, हमेशा एक डोर में बांध कर रखेंगे। और बड़े बाबूजी, हमारे घर के अंदर जब हमारे घर के सारे सदस्य लोग मौजूद रहते हैं, तो ऐसे मालूम पड़ता है कि हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आता है। अरे सारी किससे सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार।
चलो